हे दोस्तों, वेलकम टू याना। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। जब दूसरे 11 साल के बच्चे टीवी पे कार्टून देख रहे होते थे, तब गीतांजलि राव को साइंस और टेक्नोलॉजी की न्यूज सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता था। और ऐसे ही एक दिन न्यूज देखते टाइम गीतांजलि को यूएस के फ्लिंट सिटी में हो रहे वाटर क्राइसिस के हाई अलर्ट के बारे में पता चला, जहां पानी में लीड की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से पूरे सिटी में पीने के पानी की प्रॉब्लम बढ़ गई थी। इस न्यूज ने गीतांजलि को काफी अफेक्ट करा और 11 साल की गीतांजलि ने डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करेंगी जिससे कि वो पूरे सिटी को हेल्प कर पाए। क्योंकि उस टाइम यूएस के काफी जगहों पे वाटर क्राइसिस बढ़ गई थी, इसलिए यूएस के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज घर घर जाके वाटर सैंपल्स को कलेक्ट करते थे। और इसी में गीतांजलि ने अपनी मॉम को देखा कि वो बेसिक टेस्ट ट्राइब्स को यूज कर रही हैं अपने पानी को एनालाइज करने के लिए। ये देख के गीतांजलि बताती हैं कि वो काफी शॉक हुई थी, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल भी रिलायबल तरीका नहीं लग रहा था। यही सारे कंडीशंस को देख के गीतांजलि को एक डिवाइस बनाने का प्लान आया, जिसकी हेल्प से पानी में लीड की क्वांटिटी को इजीली और काफी रिलायबल वे में मेजर करा जा सके। इसके लिए गीतांजलि ने 3M मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के रिसर्चर्स को कॉन्टैक्ट किया और उनके हेल्प से अपने रिसर्च को शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। 3M एक अमेरिकन कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है मिनेसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने के लिए जानी जाती है। 3M कंपनी के रिसर्चर्स ने गीतांजलि को पूरे दिल से वेलकम किया और गीतांजलि के आइडिया को पूरी तरह सपोर्ट किया। फाइनली गीतांजलि के हिडन टैलेंट की जर्नी यहाँ से शुरू हुई और गीतांजलि ने अपना डिवाइस टेथिस को लॉन्च किया। बेसिकली टेथिस एक छोटी सी डिवाइस है जिसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी, एक लीड सेंसिंग यूनिट, एक ब्लूटूथ एक्सटेंशन लगा है और कार्बन के नैनो ट्यूब्स लगे हैं जो लीड के साथ टच होने पे अपना रेजिस्टेंस चेंज करता है। गीतांजलि ने इन कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में जाना जब वो MIT की वेबसाइट को चेक कर रही थी। तो फाइनली टेथिस लॉन्च हुआ और सिर्फ US में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत सक्सेसफुल हुआ और US के अलावा बाकी कंट्रीज में भी टेथिस को यूज करना शुरू कर दिया गया पानी में लीड की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो अब इतने सक्सेसफुल डिवाइस बनाने के बाद आती है इसके प्राइस की, जिसको सुन के आप काफी हैरान हो जाएंगे। टेथिस की प्राइस सिर्फ $20 रखी गई, यानी लगभग 140 रुपीज। इस सक्सेसफुल डिवाइस बनाने के बाद ही गीतांजलि को दुनिया भर में रिकॉग्नाइज किया गया और इंडिया से ज्यादा गीतांजलि ने अपना नाम दूसरी कंट्रीज में रोशन किया। गीतांजलि को अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला $25,000 के कैश प्राइस के साथ। फोर्ब्स 2019 के लिस्ट में गीतांजलि 30 अंडर 30 के लिस्ट में भी शामिल हुई। US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यूथ अवार्ड भी गीतांजलि को मिला और इसके साथ टॉप हेल्थ पिलर प्राइस स्टूडेंट चैलेंज भी गीतांजलि ने जीता। इसके अलावा गीतांजलि 3 बार TEDx की स्पीकर भी रह चुकी है, जो कि एक 13 साल की स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, लास्ट ईयर के TEDx इंडिया में भी गीतांजलि को इनवाइट किया गया, जहां पे गीतांजलि ने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी दुनिया भर के साइंटिस्ट के लिए। गीतांजलि कहती है कि अगर हम इमेजिन करें मूवीज के सुपर हीरोज रियल लाइफ में आ जाए तो हम में से हर कोई उनको सपोर्ट और अप्रिशिएट करने जाएगा, लेकिन रियल लाइफ के साइंटिस्ट जिन्होंने ऐतिहासिक रिसर्च करके दुनिया को चेंज किया है, जो किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं होते हैं, उनको कई बार लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको गीतांजलि की ये जर्नी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।